सियासत में चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन नुस्खे काम आते हैं। अब कल एक आरोप की तरह एक मसला आया है, उसका चर्चा भी है और वो चर्चा खर्चे से जुड़ा भी है। आरोप आरपी सिंह ने लगा दिया है। आरपी सिंह प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जयसिंह अग्रवाल, वो जो नया नवगठित ये जिला है, बड़ा लंबा सा नाम है, गौरेला पिंडरा मरवाही जीपीएम जिले के प्रभारी हैं। ये कहा जाता है कि उनको प्रभारी इसलिए बनाया गया क्योंकि उपचुनाव था। हमारे साथ दोनों हैं। आरपी सिंह जी, आपने एक बम फोड़ दिया कल 10 करोड़, ये चर्चा और खर्चा, ये मसला क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि पिछले एक महीने से माननीय मंत्री जी के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं, संगठन के और भी पदाधिकारी हैं। पिछले 4-5 दिनों से मरवाही विधानसभा के हर गली कूचे में एक चर्चा बहुत जोरों से है कि जोगी परिवार और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे का समर्थन को लेकर 10 करोड़ रुपये में कोई डील हुई है। और ये आरोप मैंने कल सुबह 9 बजे लगाया और देर रात को उसकी पुष्टि भी हो गई जब योगी कांग्रेस ने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। तो मेरा ये आरोप सीधा सीधा है, ये डील कितने की है, किसके माध्यम से हुई है, पैसे किसने दिए हैं और कितने दिए हैं, क्योंकि मरवाही की जनता का मान सम्मान अगर कोई व्यक्ति चाहता है 10 करोड़ रुपये में बेचना, तो ये मरवाही की जनता का अपमान है और यहाँ की जनता अपने अपराध का बदला 3 तारीख को जरूर लेगी। कि आपने कह दिया, लेकिन कोई कोई आधार तो होगा, 10 करोड़ कोई छोटी रकम तो है नहीं, बड़ी रकम है, तो क्या है आधार, क्या है, किसने दिया, किसको दिया? देखिए, समय के साथ आधार और सबूत दोनों सामने आ जाएंगे। अंतागढ़ के सबूत को भी सामने आने में 1 साल लगे थे, हो सकता है यहाँ का सबूत 6 महीने में सामने आ जाए, हो सकता है 1 साल में आ जाए, लेकिन वहाँ डील 7 करोड़ की थी और यहाँ 10 करोड़ की है, ऐसी चर्चा गली गली में है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जोगी परिवार का गद्दारी का पुराना इतिहास रहा है। हम सब, आप और प्रदेश की जनता बेहतर जानती है कि अंतागढ़ से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो मरवाही तक निरंतर चला आ रहा है। जयसिंह जी, आप प्रभारी हैं जिले के भी और चुनाव को भी देख रहे हैं, ये जो आरपी के आरोप थे, इस आरोप पर आपकी क्या राय है? देखिए, आरपी सिंह का जो बोलना है वो कहीं ना कहीं इन बातों की पुष्टि करता है कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब चुनाव हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो परिस्थितियां निर्मित हुई और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि 2008 का चुनाव हो, चाहे 2013 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। तो 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी से बाहर हो चुके थे उसके बाद जाके कांग्रेस की हमारी सरकार बनी। अंतागढ़ का जो आरपी सिंह जी ने कहा वो आप जानते हैं अच्छे से, उसका खुलासा हो चुका, उसी अंतागढ़ की गद्दारी के कारण इनको पार्टी से बाहर फेंका गया। इसके साथ साथ लगातार ये जितने भी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जितने भी चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों या जो अन्य जितने बड़े लीडर हैं, सब के खिलाफ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिल के हमेशा षड्यंत्र करते रहे, मेरे खिलाफ भी करते रहे। और उन चुनावों में आपने देखा होगा कि चाहे वो चौबे जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या धनेन्द्र साहू जी हों, सत्यनारायण शर्मा जी हों, चरणदास महन जी हों, चाहे महेंद्र कर्मा जी हों, सब के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा से मिल के उनको डैमेज करने की कोशिश की। और हमेशा ये इस बात के लिए चर्चा में रहे, हमेशा लोकसभा चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से लेन देन करके कांग्रेस की खिलाफत करते रहे। तो इसलिए इस तीन बातों की पुष्टि कही जा सकती है, हो सकती है, और इस बात में ये परिवार माहिर है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कल इनका जो नकाब उतरा है, रात को जो चेहरा बेनकाब हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना है, इस बात की पुष्टि होती है कि इनका कुछ न कुछ तो दाल में काला है। धर्मजीत सिंह जी का यहाँ आना, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ गुप्त वार्ता करना, इसके साथ साथ एक राइस मिल के यहाँ किंग है उनका अमित जोगी के यहाँ डेरा डालना, उसके बाद जो है आपका बिलासपुर में एक ऐसी सेल जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, वहाँ के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर से कुछ पैसा दिलाना, ये सब काम इन्होंने किए हैं। और ये निश्चित तौर पे अभी जो इनकी डील हुई है इसलिए ये समर्थन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन समर्थन सियासत में, राजनीति में होता रहता है, बिल्कुल, कई गठबंधन होते हैं, चकित कर देते हैं, बिहार उदाहरण है हमारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये गठबंधन हो गया या अगर उन्होंने समर्थन दे दिया, जिसके पीछे अमित जोगी ने कारण बताया कि भाई मेरा नामांकन जबरन इन्होंने खारिज करा दिया,
तो गठबंधन हो गया, समर्थन दे दिया, तो उस पर आरोप लग गया है इस वजह से। तो पिछले जब 2018 का चुनाव हुआ था तो ये आरोप तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाया था कि जोगी जी का जाति का जो मुद्दा था उसमें जब रीना बाबा साहब कंगाले जो है वो उस टाइम उसकी अध्यक्ष थी, उस समय इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव से रोकने के लिए मेरे जाति के मुद्दे में इस प्रकार का निर्णय कराया है। तो ये तो आरोप लगाना तो इनका शुरू से धर्म रहा है, आरोप ये लगाते हैं लेकिन आरोपित खुद हैं, हमेशा ये गलत कामों में चर्चा में रहे हैं और दूसरों पर आरोप थोपते रहे हैं। आरोप लगाते हैं मगर आरोपित खुद हैं। आरपी आपके पास फिर लौट रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आप आरोप लगाते हैं लेकिन आरोप का कोई स्रोत नहीं बता रहे हैं, ये सोच समझ के कर रहे हैं क्या कि स्रोत नहीं बताऊंगा आरोप लगाऊंगा? देखिए मैंने कहा ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अंतागढ़ में भी हमने आप सबके सामने आरोप लगाया था, न स्रोत था न सबूत था, समय आया स्रोत भी सामने आ गया, सबूत भी सामने आ गया। मेरा अटल विश्वास है कि मरवाही के क्षेत्र में जो चर्चा है, जो यहाँ गली गली में बात सुनी जा रही है, ये सबूत समय के साथ सामने आएगा, क्योंकि हमारे लोगों में एक कहावत है कि बिना आग का धुआं नहीं होता, तो आग कहीं ना कहीं जली है तब ये धुआं उठ रहा है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि मैं सुबह आरोप लगाता हूँ और शाम को उसकी पुष्टि हो जाती है? ऐसी क्या ऐसी वजह है कि जोगी जी जीते जी कहते थे कि कांग्रेस हमारी माँ है, माँ के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, उस गद्दारी की कीमत क्या है? यही तो मरवाही की जनता पूछ रही है, हम भी तो यही पूछ रहे हैं, इसका जवाब योगी परिवार को जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी। ये राजनीति में ऐसे मसाले हो जाते हैं कई बार जो तात्कालिक रूप से भी असर करते हैं और दूर तक भी इसकी गूंज होती है। अमित जोगी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, देर रात जरूर 1:30 बजे जबकि जिसका जिक्र आरपी कर रहे हैं, जिसका जिक्र जय सिंह जी कर रहे थे, वो मसला ये था कि रात को करीब 1:30 बजे व्हाट्सएप पे उन्होंने ये सूचना सार्वजनिक कर दी कि वो भाजपा का समर्थन, उनका विधायक दल का जो नेतृत्व है जो धर्मजीत सिंह करते हैं, उन्होंने ये तय किया है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे गंभीर सिंह को। अब ये जो रिश्ता है ये सिर्फ इस चुनाव तक सीमित रहता है कि आगे बढ़ता है, इसको लेके अभी प्रश्न है मगर उसका जवाब नहीं आया। बहरहाल सियासत फिर सरगर्म है, कांग्रेस की ओर से ये आरोप है कि ये जो गठबंधन हुआ है बीजेपी और छजका के बीच में, इसमें 10 करोड़ की डील हुई है, लेकिन इस डील के पीछे अभी कोई आधार किसी ने नहीं बताया है, या केवल एनपीजी मरवाही।